ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है। आजादी के बाद सीहोर जिले में स्थापित शासकीय न्याय व्यवस्था में कोरोना संक्रमण काल में कानून के क्षेत्र में एक नया नवाचार अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रूटीन की प्रक्रिया से एकदम हटकर जिला न्यायालय में संचार साधन आधारित न्याय व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हुई। इस व्यवस्था में जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर वरिष्ठ वकीलों ने दीवानी मामले में अपनी जोरदार बहस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से की। सीहोर के जिला न्यायालय में लॉकडाउन के दौरान वीसी के जरिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज्यवर्धन गुप्ता ने दीवानी मामले की अंतिम बहस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनी और इस बहस के बाद अपना ई फैसला मेल से दोनों पक्षकारों को प्रेषित किया। दरअसल जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के आधार पर जिला न्यायालयों में दीवानी मामलों की बहस और निर्णय वीसी के जरिए किए जाने और ई निर्णय का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अनुमति लेकर जब मीडिया ने जिला न्यायालय में चल रही प्रक्रिया को देखने और समझने का प्रयास किया तो अंदर के हालात रोज़मर्रा की जगह एकदम जुदा जुदा नज़र आए। लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद दीवानी मामले की ई सुनवाई इस अदालत में हुई। ना तो दोनों पक्षकार ना दोनों के वकील, सुने सुने विटनेस बॉक्स कोरोना काल की कहानी कहते दिख रहे थे। कोरोना संक्रमण के चलते पूरा कोर्ट परिसर एकदम साफ सुथरा सैनिटाइज दिख रहा था। अपने डाइस पर अकेले बैठे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राज्यवर्धन गुप्ता अपने मुँह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे और उनके सामने लगी LED स्क्रीन पर तीन फ्रेम नजर आ रहे थे। पहले फ्रेम में सीनियर वकील कमर अहमद सिद्दीकी और दूसरे फ्रेम में वरिष्ठ वकील जितेंद्र व्यास बहस के लिए तैयार नजर आए। बारी बारी से दोनों ने इस दीवानी मामले की अपनी फाइनल बहस की। दोनों वकील जिला न्यायालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जिला कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश से लाइव जुड़े हुए थे। इस बहस के बाद वरिष्ठ वकील कमर अहमद सिद्दीकी ने स्थानीय मीडिया से चर्चा में कहा कि यह मेरे न्यायपालिका के जीवन में यह पहला अवसर था जबकि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की है। इस मामले के दूसरे पक्षकार के एडवोकेट जितेंद्र व्यास ने कहा कि अपने जीवन में यह एकदम नया अनुभव है जबकि हमने अपनी बहस इस तरह नवाचार के रूप में की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए सीहोर से ब्रजेश पाराशर की रिपोर्ट।